अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ सरधना विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद आज संगीत सोम पूरे तेवर के साथ ग्रामीणों के बीच आए। सरधना के खेड़ा गांव में हुई पंचायत में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि वह हारे नहीं है, यदि हारते तो घर बैठ जाते। जो लोग मुगलता पाले बैठे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि बाबा का बुलडोजर और संगीत का डंडा बराबर चलेगा, तेज गति से चलेगा, लेकिन गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा। हारने वाले के पीछे ऐसा जन सैलाब नहीं होता। संगीत सोम ने यह भी कहा कि यदि शेर एक कदम पीछे हटता है तो वह बड़ी छलांग के साथ आगे बढ़ता है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए देखते हैं क्या कहा है पूर्व विधायक संगीत सोम ने। तो इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ नहीं होता, हारने वाले के पास जन सैलाब है। किसी हारने वाले के पास जन सैलाब है। मैं शोभा के साथ हूं, जब मैं नई जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में आया तो आपने दुगने और तिगने दोस्तों के साथ मुझे अपने साथ प्यार दिया। यहां सभी जाति बिरादरी के लोग बैठे हैं, हर किसी ने यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति ने जिला जान से चुनाव लड़ा है, लड़ाया नहीं है, लड़ा है। हर आदमी ने चुनाव लड़ा है, वोट नहीं घटा है, वोट पहले से बढ़ा है। आगे वोट पाने के बाद थोड़े पीछे रह गए, लेकिन एक ध्यान रखना और इसे मन से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, अगर शेर एक कदम पीछे रखता है तो बड़ी छलांग के साथ आता है। पीछे नहीं रखता के 100 विधायक मिला के इतनी ताकत रखता है। मैं कमजोर नहीं हूं और क्षेत्र के प्रत्येक आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, कोहला से लेके और यहां तक के लोग बैठे हुए हैं, मन में कमजोरी की बात सोचना भी मत। केवल इतना होता है विधायक पे विधायक निधि होती है 3 करोड़ की। भैया दो प्रमुख तो आपकी जेब के खराब हो रहा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी केवल आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग अगर मुझे मजबूत करना चाहते हैं और अगर मुझे मजबूत देखना चाहते हैं तो सरधना क्षेत्र में जातियों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए साहब। सरधना क्षेत्र में जातियों की बात नहीं होनी चाहिए। सरधना क्षेत्र में जो पहले थी आज भी वही होनी चाहिए। हम पहले भी गुंडों के खिलाफ थे, आज भी गुंडों के खिलाफ हैं। हमने पहले भी गुंडों को रगड़ा है और चिंता मत करना, 6 महीने में आपके भी रगड़ के रख दूंगा। बहुत लोग मुझे कई दिन से 2 दिन से फोन आ रहे हैं, कभी मुझे फोन आ रहा है कि साहब मुझे फोन करके धमकी दी जा रही है, कोई कह रहा है मुझे फोन करके धमकी दी जा रही है। किस बात की धमकी देने वाले कोई भी लोग किस बात का इंकार है भाई? हम तो 10 साल से लगातार पद पे हैं, तब कोई इंकार नहीं रहा है, और किस बात का इंकार? क्या होता है विधायक के पास अलग से जो मेरे पास नहीं? विधायक के पास
इतनी पब्लिक नहीं होती जो मेरे पास है। हम किसी को दोष नहीं देने जा रहे इसमें, हमें किसने चुनाव हराया किसने नहीं हराया, कुछ हमारी कमी नहीं होगी। अपनी कमियों पर मंथन करेंगे, अपनी कमियों पर मंथन करो। और जैसा मैंने अभी कहा कि अपनी कमियों पर मंथन करने के बाद जो मैंने एक कदम पीछे रखा है उसे हजार गुना आगे बढ़ा देना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक बात हमेशा कहा करता था आपसे, बहुत लोगों को सोचने की जरूरत है, बहुत लोगों को संगीत से नाराजगी हो गई, बहुत लोग कहते थे भाई मेरे लड़के की नौकरी नहीं लगी, बहुत लोग कहते थे भाई मेरे भतीजे की नहीं लगी, मेरी नौकरी नहीं लगी। भाई अब 5 साल में गिनती कर ले, 5 साल में गिनती हो गई, कितनी लगी कितनी नहीं लगी, मुझे नहीं पता। बहुत नेता तो इसी बात के लिए लग रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही, मैं मंत्री बनूंगा। अब कितने मंत्री बन जाएंगे मेरी यह समझ में नहीं आ रहा। लोगों को लॉलीपॉप देकर झूठ बोलना समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव कहते थे कि मैं तो 300 सीट पार करके सरकार ला रहा हूं, समाजवादी पार्टी नाम की चीज उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई है नंदनाथ दोस्तों। अगले 20 साल भी कोई समाजवादी पार्टी का नाम लेवा उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा का बुलडोजर पहले भी चलता था। ईमानदारी के साथ आपके बीच में कहना चाहता हूं, किसी कीमत पर भी कमजोरी महसूस मत करना। जब तक संगीत सोम इस दुनिया में है, सरदारा विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति मजबूत है, वो कमजोर नहीं हो सकता। के 3 दिन से घरों में चूल्हा नहीं चल रहा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मेरी बहने रोटी नहीं खा रही है, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। मुझे घरों से फोन आ रहे हैं, मुझे लोग बात करा रहे हैं, कहते भैया से बात कर ले, भैया से रोटी खाने के लिए कहते। अरे साहब, आदमी जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर बन जाए ये प्यार मिलेगा क्या? ये तो लोग आते हैं चले जाते हैं, जीतते हैं हारते हैं इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन आज जो ताकत दी है आप लोग जो यहां बैठे हो, आपने मुझे ताकत दी है, और इसी ताकत के बलबूते आपको पता चुनाव हार जीत नहीं कही जाती। चुनाव तो उत्तराखंड में हमारे सीएम थे, सीएम रहते हुए हार गए, हमारे डिप्टी सीएम हार गए, राजस्थान में 2-2 जगह से मुख्यमंत्री लड़ने वाले हार गए, पंजाब से। ये मत सोचो चुनाव हारे हो, तुम चुनाव नहीं हारे, अगर हार जाता तो घर में बैठ जाता। मैं नहीं जिम्मेदारी ले पाया हूं, मैं हारा नहीं हूं, मैं हार नहीं सकता। और संगीत अगर कभी हारेगा तो संगीत की जिंदगी का वो लास्ट दिन होगा, उसके बाद संगीत नहीं होगा, नहीं तो संगीत नहीं हारेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।